भैया आपने इनको बरत लिया बार बार, हमें तो एक बार बरत के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ये मायने नहीं, लेकिन बात दिल की होनी चाहिए। इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के साथ इमरान मसूद दिल्ली पहुंचे थे। अजय राय की मौजूदगी में ही इमरान मसूद ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थामा। इस दौरान सह प्रभारी प्रदीप नरवाल भी मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ज्वाइनिंग के समय मौजूद रहे। इमरान मसूद की ज्वाइनिंग के लिए पश्चिमी यूपी के तमाम समर्थक भी दिल्ली पहुंचे थे। मैंने बसपा को रुख्सत नहीं किया, बसपा ने मुझे रुख्सत किया। तो कांग्रेस असल में मैं छोड़ना ही चाहता था, तो अल्लाह का शुक्र है कि प्रियंका जी ने, राहुल जी ने क्लियरेंस दिया, उनका स्नेह मेरे साथ है, तो उन्होंने कहा तो दोबारा कांग्रेस में आ गया। अच्छा, मेरा राहुल जी के साथ और प्रियंका जी के साथ, गांधी फैमिली के साथ पहले से ही मेरा उनका, चूंकि मेरा उनसे जो रिश्ता है वो मैंने कभी ख़त्म ही नहीं कर पाया, ना ख़त्म हो पाता हूँ। वो इतना स्नेह का रिश्ता था। मैंने एक जगह राहुल जी के बारे में बोला, उन्होंने पूछ दिया तो पता चला कि वही बात बुरी लग गई और मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैंने कहा जो करें। यूपी में कांग्रेस ने भले ही सपा रालोद से मिलकर 2024 में मैदान में उतरने का प्लान किया हो, मगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी का दावा किया है। इसलिए वो प्रदेश भर में बूथ स्तर तक संगठन को जहां मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं क्षेत्रीय प्रभावशाली नेताओं को पार्टी में सदस्यता भी दिला रहे हैं। ऐसे ही पश्चिमी यूपी में प्रभाव रखने वाले इमरान मसूद को भी कांग्रेस में लाने की रणनीति बनाई गई थी। दरअसल कांग्रेस का मकसद है कि 2024 में पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा जाए और इसके लिए क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले नेताओं के साथ साथ जातीय समीकरण को देखकर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। बता दें, इमरान मसूद 1987 में राजनीति में आए थे। उन्होंने 2001 में पहली बार चुनाव नगर पालिका सहारनपुर में चेयरमैन का लड़ा था, लेकिन हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। इसके बाद 2006 में नगर पालिका के चेयरमैन बने। इसके बाद सहारनपुर जिले के मुजफ्फराबाद सीट से साल 2007 में निर्दलीय विधायक बने। वहीं इमरान 2013 में कांग्रेस में चले गए थे और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े और हारे। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जनवरी में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद सपा को अलविदा कहकर बसपा में चले गए थे। अब एक बार फिर कांग्रेस में उनकी घर वापसी हुई है।